तो गाइस आज मैं आपके लेके आ गया हूँ माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स #2, यानी कि उसका पार्ट 2, जो कि मैंने 1 महीने से दोस्तों बनाया ही नहीं। मैंने सीरीज तो दोस्तों चालू कर दी वो, लेकिन उसकी सेकंड वीडियो बनाई ही नहीं। तो काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ हो गए थे, इंस्टाग्राम पे पूछे थे भाई वो आपने जो सीरीज चालू की थी उसका सेकेंड पार्ट कहाँ गया और क्यों नहीं आ रहा। तो भाई अब मैं वो लेके आ गया हूँ उसका सेकंड पार्ट। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और अगर इनमें से कोई भी हैक अगर आपके काम आ जाता है दोस्तों, तो आपने क्या करना है कमेंट में लिख देना है #useful hack, जिससे मेरे को पता लगे कि मेरी वीडियोस आपके कुछ काम आती है, जिससे मेरे को भाई बहुत मोटिवेशन और खुशी होती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज जो सबसे पहला है क्या है उसको करने के लिए हमें यहाँ से 4 ब्लॉक्स हटा देने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हटाए हैं, सेम टू सेम आपने भी हटा देना है। और आगे से भी 6 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 और ये 6, दोस्तों 7 ब्लॉक हटा देने हैं टोटल। वैसे 6 आगे के हटा देने हैं, वैसे बता रहा था मैं आपको। तो आपने पूरे 7 ब्लॉक हटा देने हैं, ऐसे 4 बाय 7 ऐसे कर देना है इसको। और बीच के भी आपने सारे ग्रास ब्लॉक जितने भी हैं हटा देने हैं। इसके बाद क्या करना है, लावा बकेट आपने लेनी है और पूरा जितना ये खोदा है आपने इसको फिल कर देना है बिल्कुल लावा की बकेट से, मतलब लावा से फिल कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो साइड की जगह है ना इधर आपने लेना है एक स्टिकी पिस्टन। दोस्तों यहाँ पर क्यों लगा दिया, गलती से लगा दिया मैंने, तो इसको तोड़ देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपने पिस्टन लेना है और इसकी साइडों में लगा देना है जितनी भी आपने, जो 7 पिस्टन लगा देने हैं, मतलब कि हमने 7 ब्लॉक्स खोदे थे ना, तो यहाँ पर हमने साइडों में 7 पिस्टन्स लगा देने हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने लेनी है अपनी क्वार्टर्स ब्लॉक, या मतलब कुछ भी स्टोन भी ले सकते हो आप, तो उसके ऐसे साइड में कर कर हमने तोड़ देना है वो वाला ब्लॉक। और यहाँ पर 7 आपने ब्लॉक्स लगा देने हैं, कोई मर्जी आपके मन के 7 ब्लॉक लगाने हैं। और उस साइड भी सेम ऐसे ही ये करना है आपने, 7 ब्लॉक्स भी उस साइड ही ऐसे करके लगा देने हैं जिससे हमारे साइड में आ जाए बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे ही लगाना, पिस्टन के ऊपर मत लगा देना, पिस्टन के लेफ्ट में राइट में लगाना है ऐसे कर कर। इसके बाद क्या करना है, ये जितने भी आप क्वार्टर्स देख रहे हो ना इस पर आपने लगा देना है ट्रिप वायर हुक, यही कुछ नाम होता है ट्रिप वायर स्ट्रिप वायर, तो ये हुक लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, ग्लास लेना है, आप ग्लास की जगह कुछ और भी लगा सकते हो, लेकिन फिर लावा इतना विजिबल नहीं होगा जिससे मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया आप ग्लास लगा देना पूरे पे यहाँ पर स्टिकी पिस्टन पे। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, ब्लॉक ऑफ क्वार्टर्स लेना है, मतलब कुछ भी लेना है, स्टोन लेना है दोस्तों, मैं यही यूज़ करता हूँ तो मेरे यही ध्यान रह जाता है। तो आपने क्या करना है, ये क्वार्टर्स वाला ब्लॉक मैं स्टोन कुछ भी लेके आपने लगा देना है। फिर आपने ली है स्ट्रिंग, जो मकड़ी को मारने से आराम से मिल जाती है, और इसको पूरे को 4 जो ब्लॉक हैं इसको ऐसे कवर कर देना है जिससे ये झुक जाएंगे आपस में। आपने भी ध्यान देना है झुके ना जब तक स्ट्रिंग लगाते रहने, काफ़ी विजिबल नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत होती है विजिबल। तो अब हमारे ये काम हो चुका है ये स्ट्रिंग लगाने वाला, जिससे ये सारे झुक गए अपनी तरफ एक तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे झुक गए जितने भी लगाए थे हमने। अब नीचे क्वार्टर्स ब्लॉक हमें हटा देने हैं दोस्तों। वैसे कोई क्वार्टर्स ब्लॉक लगाता नहीं, लेकिन आसानी के लिए मैंने यहाँ पर क्वार्टर्स ब्लॉक लगाकर आपको दिखाया, जिससे मुश्किल ना हो भाई स्ट्रिंग लगाने में। तो अब क्या करना है, हमें टेस्ट करना है। सबसे पहले मैं 3rd पर्सन अपनी बैक कर लेता हूँ जिससे आपको आराम से दिख जाए ऊपर से कैमरा है। भाई बग्स बहुत हैं यार, एक तो माइनक्राफ्ट में किया था आपके सामने मैंने, देखो हुआ नहीं, अब हो गया दोस्तों। तो मैं आपको ब्रिज के ऊपर से जाकर दिखाता हूँ, तो भाई बहुत ही तगड़ी फीलिंग आती है सर्वाइवल में, तो बंदे की जान निकलेगी एक बार भाई बैठे एक बार। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, लगा लेना साइड में। और भाई वैसे तो ये सही है, वैसे अगर आप तेज़ जाओगे ना जब गिर जाओगे, जैसे कि अभी एक वो बबल आया था लावा का, तो वो मेरे पर लग गया था, बबल लग जाते हैं दोस्तों आराम से। तो आप क्या करना, थोड़ा एक स्टेप ऊपर कर लेना इसको, जिससे बबल आपकी तरफ ना आए, लावा जब भी विजिबल होएगा। तो भाई अब माइनक्राफ्ट में पटाखे फोड़ेंगे, जो कि राजस्थान के लोग दिवाली पे फोड़ नहीं सकते, तो वो यहाँ पर फोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जर्वर लेना है, और वो सबसे पहले आपने ऑब्जर्वर यहाँ पर लगा देना है। तो ऑब्जर्वर का वी ऐसे आना चाहिए, और ऑब्जर्वर के आगे आपने स्टिकी पिस्टन लगा देना है, एंगल देख लेना ऐसे ही होना चाहिए। और पिस्टन के आगे आपने 2 रेडस्टोन ब्लॉक लगा देने हैं, एक उसके आगे और एक उसके राइट में। तो राइट में लगाने के बाद आपने एक स्टिकी पिस्टन राइट वाले पे लगा देना है इसी एंगल के अंदर, जैसे एंगल में मैंने लगाया, ध्यान से देखना भाई
सही दूसरे एंगल में मत लगा देना। फिर आपने लेना है रेड स्टोन, ये तो आप रेड स्टोन ब्लॉक रहे थे, अब रेड स्टोन लेना है। और अगर आपने रेड स्टोन गलती से आगे लगा दिया तो आप देख सकते हो ये मशीन वर्क नहीं करने वाली। तो आपने क्या करना है, रेड स्टोन जहाँ पर मैंने लगाया वहीं पर लगा दें। इसके बाद क्या करना है, आपने एक लेफ्ट में रेड स्टोन लगा देना है, वहाँ पर क्यों लग गया, और उसके आगे लगा देना है, और एक राइट में लगा के उसके आगे लगा देना है। तो इसके बाद आपने लेना है डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर का मुँह ऊपर की तरफ खुले दोस्तों, आप देख सकते हो ऐसे ये जो सर्कल है ऊपर की तरफ जाए, आपने ऐसे डिस्पेंसर लगा देना है, एंगल ध्यान से देना, और ऐसे इस तीनों साइड आपने ऐसे कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब हमारा काम हो चुका है, बस हमें इसके अंदर रॉकेट्स पुट कर देना है, जो भी आप रॉकेट चाहते हो, जो भी आप रंग बिरंगा इसको बनाना चाहते हो वैसा आप बना देना, वो वैसे रॉकेट पुट कर देना। इसके बाद क्या करना है, हमें लेना है फ्लिंट एंड स्टील, और ये जो ऑब्जर्वर है उसके आगे एक बार हमें आग लगा देनी है फ्लिंट एंड स्टील से। तो भाई हमारी मशीन वर्क करनी चालू हो गई और पटाखे फूटने चालू हो गए माइनक्राफ्ट के अंदर। तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपी लगते हैं, रात में तो बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। और भाई इसमें ये कुछ बग्स होते हैं, तो आप क्या करना, ये फ्लिंट है लगा हुआ है ना, इसको तोड़ के एक बार वापस लगा दे, मतलब तोड़ देना या हटा ही देना या वापस लगा देना, तो ये ऐसे वर्क करने लग जाएगा। तो भाई ये हैक मेरे को पर्सनली काफ़ी मस्त लगा, तो बढ़ते हैं अगले हैक पे। और भाई ये है मेरा लास्ट हैक, जो कि भाई मेरा मोस्ट फेवरेट हैक भी आप कह सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप बनोगे ना, जब ये बनेगा जब ही देखना इसको। तो आपने क्या करना है, 3 ब्लॉक्स ऐसे हटा देने जैसे मैंने हटाए, और इसके 6 आगे हटा देने, यानी 5 आगे हटा देने हैं, टोटल 3x6 होना चाहिए। और साइड के भी हमें सारे ब्लॉक साफ़ कर देने हैं, बीच वाली लेयर भी हमें ये साफ़ कर देनी है। ये करने के बाद आपने लेना है रेड स्टोन, और रेड स्टोन एकदम लास्ट वाली लेयर पर आपने 3 रेड स्टोन लगा देने हैं। इसके बाद रेड स्टोन कंपनसेटर आपने ऐसे होकर लगा देने हैं, और फिर मुड़ के आपने लगा देने हैं, जिससे पहले एक सामने लगाना है, फिर आपने मुड़ के 2 ऐसे लगा देने हैं। इसके बाद क्या करना है, ग्रास ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक लेना है, और फिर आपने आर्मर स्टैंड है ना उसके ऊपर लगा देना है, ग्रास ब्लॉक के ऊपर आपने फिर एक और बार रेड स्टोन लगाना है एक, और फिर रेड स्टोन कंपनसेटर लेकर आपने एक बार यहाँ पर लगाना है, और फिर मुड़ के आपने दोनों 2 साइड पर लगा देना है, लेफ्ट राइट पर। इसके बाद आपने क्या करना है, वापस ग्रास या स्टोन कुछ भी लेना है, और वापस आपने आर्मर स्टैंड यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, रेड स्टोन लेना है और बीच में लगा देना है, और फिर दोनों ब्लॉक आगे वाले पर रेड स्टोन टॉर्च, और बस भाई अब हमें लगाना है अपने एक रेड स्टोन। तो भाई आप देख सकते हो ये डांस करना चालू कर दिया। अब हम इसको और भी तगड़ा अंदाज देसी स्टाइल मस्त स्टाइल देने के लिए, एक मीमे बनाने के लिए, तो भाई अब हम इसको और भी शानदार बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ब्लैक कारपेट लगाते हैं, यार इसको चालू ही रहने देते हैं। तो अब हमें पूरे पे ब्लैक कारपेट लगा देना है, कवर करने के लिए कुछ भी कारपेट लगा देना है, ना लगाना चाहो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है भाई, आपकी मर्ज़ी है। और भाई हम मैं लगा देता हूँ, तो भाई बहुत ही टिपिकल काम है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ या वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो भाई हमने लगा दिए सारे कारपेट, अब हमारे ये नाचते हुए दिख रहे हैं बंदर। तो हमें क्या करना है, अब हमें लेना है अपना आर्मर, जिससे भाई कवर हो जाएगा। पहले फेस लेना है, ये नूब वाला फेस होता है जो, तो भाई ये लगाना है, और आर्मर लेना है, और ये पैंट्स लेनी है, और बूट्स ले लेने हैं हमें। तो हम इन सारों को कवर कर देंगे, इससे भाई ये इसका मुखड़ा लग गया, दो चारों पे पहले भाई मुखड़े लगा दो, मुखड़े से ये उखड़े उखड़े नहीं लगेंगे। तो ये मुखड़ा लगा दिया हमने चारों पर, मुखड़े के बाद हमें क्या करना है, चेस्ट प्लेट पहना देता हूँ मैं इनको, चेस्ट प्लेट, फिर बूट्स पहना देता हूँ। बूट्स पहनाने के बाद भाई हम इसको पैंट पहना देते हैं। और भाई टूट क्यों गया ये, पता नहीं भाई, मैं तो टच भी नहीं किया था कहीं पर। वापस कोई बात नहीं, हम आर्मर स्टैंड लगा देते हैं। आर्मर स्टैंड लगाने के बाद वापस इसका मुखड़ा लगा देते हैं, मुखड़े के बाद हम लगा देते हैं इसकी पैंट्स, पैंट्स के बाद हम इसकी चेस्ट प्लेट, और चेस्ट प्लेट के बाद बूट्स लगा देते हैं इसके। भाई बस कतई अगर आप बूट पहना दोगे और पैंट नहीं पहनाओगे ना, कतई जोकर सा लगेगा भाई, मस्त वाला जोकर लगता है। तब हम इनके सबके बूट्स पहना देते हैं सबसे पहले इनको, और भाई अब मैं इसको पैंट पहना देता हूँ भाई, पहन पैंट पहन, और इसको चेस्ट प्लेट भी पहना देते हैं। तो इसको भी चेस्ट प्लेट पहना देते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो भाई, बस ये रह गया आखिरी रोबोट सा हमारा रह गया। ये भाई बहुत तगड़ा नूब लगते हैं वास्तव में, देखो कितने मस्त लगते हैं भाई डांस करते बिना पैंट के। तो अब इसका पैंट भी पहना देते हैं भाई। तो ये हमारा मतलब मोस्ट ऑफ 75% पूरा हो गया। अब हमारा काम है बैरल होता है ना दोस्तों, जो बैरल आपको मिल जाएगा ये कहीं पर भी, विलेज से लेके आया था मैं तो फाड़ी कर कर अपने वैसे रियल सर्वाइवल में। तो आपने क्या करना है, क्राउच करना है, फिर जंप करना है, और एक बैरल लगा देना है। फिर बस एक बैरल लगाने के बाद आपने क्राउच से अप होना है, और फिर आप, अरे यार एक तो बैरल टच होते ही खुल जाते हैं, तो आपने वापस क्राउच करके बैरल आगे तक ले आने हैं।
इनके इस हाथ तक ले आने हैं, इनके तक आपने बैरल ले आने हैं और फिर ये सारे बैरल तोड़ देने। वैसे आप स्टोन से भी इसको लेके आ सकते हो आगे, मैं बैरल से ही ले आया दोस्तों खामखा। फिर आपने बैरल के ऊपर जाना है और यहाँ पर ब्लैक कारपेट लगा देना है दोस्तों। मैं तो आपको ब्लैक कारपेट ही प्रेफर करूँगा क्योंकि और कोई कारपेट अच्छा लगेगा नहीं लगाने को, तो आप कुछ मर्जी लगा सकते हो, वो तो फिर आपकी मर्जी है ही। तो मैंने यहाँ पर आपने ब्लैक कारपेट लगा दिया पूरे पे और भाई लग रहे हैं ना चारू लंगूर कत्ते ही जहर भाई नाचते हुए। तो भाई आपको पता चल ही गया होगा ये है कॉफिन डांस वाला मीमे जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो भाई आप फीलिंग ले सकते हो यहाँ पर मीमे बना के, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप अपने वर्ल्ड में लगा सकते हो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।